हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर फोर एक्सरसाइज आज हम करेंगे। चैप्टर फोर में मैंने आपको बताया था हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। उसमें मैंने मेडिकल टर्म्स के जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स के नेम होते हैं वो मैंने आपको स्टडी कराए थे, सारे एक्सप्लेन किए थे कि आई के डॉक्टर को क्या कहते हैं, जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, आइज़ का डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं। आई होप आपने चैप्टर फोर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार बैक में जा करके चैप्टर फोर को कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, और उसके बाद चैप्टर फोर की एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिए। चैप्टर फोर की एक्सरसाइज करने से पहले एक बार खुद से इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही आंसर चेक करिए। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आई डोंट थिंक कि आपको एक भी मीनिंग को रटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। तो फर्स्ट वन इज मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। जो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो किन डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं? आई, साइकाइट्रिस्ट। फर्स्ट का आई हो जाएगा साइकाइट्रिस्ट, ऑप्शन है फर्स्ट का आई साइकाइट्रिस्ट। तो साइकाइट्रिस्ट ऐसा नहीं होता है कि पागल लोग दिखाने जाते हैं, जिनको भी मेंटली दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, आजकल मोस्टली जो पर्सन है वो डिप्रेशन में है, तो उन्हें साइकाइट्रिस्ट को रिकमेंड किया जाता है। और सेकेंड आते हैं नर्वस सिस्टम। तो जो भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपका ब्रेन में कोई डिसऑर्डर है, तो उसके लिए सेकेंड का हो जाएगा एच न्यूरोलॉजिस्ट। नर्वस सिस्टम के लिए हम दिखाने जाते हैं एच न्यूरोलॉजिस्ट। थर्ड वन इज स्किन। स्किन का क्या होगा? स्किन के डॉक्टर का को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो थर्ड का डी देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट। फोर्थ इज इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब बच्चे। तो बच्चों को दिखाने के लिए कौन सा डॉक्टर्स होते हैं? वो होते हैं फोर्थ का सी, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन ही होते हैं जो आपको वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों का, या बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, वो किस लेवल पे उसका वेट बढ़ रहा है, ये सब जो डॉक्टर्स होते हैं बच्चों का, जो डॉक्टर कहते हैं ना, और वो होते हैं पीडियाट्रिशियन। फोर्थ का सी, पीडियाट्रिशियन। ओके, फिफ्थ वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दिखाने के लिए होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो फिफ्थ का ए, गायनेकोलॉजिस्ट। सिक्स्थ आई। आईज के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मोतियाबिंद हो गया है, या आपकी पावर बढ़ गई है, या और भी आईज रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन जो आपका चश्मा बनाते हैं उनको आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे, उनके लिए दूसरा टर्म होता है, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो सिक्स्थ आई, आईज। आईज का मैचिंग क्या हो जाएगा? ई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, सेवन्थ वन इज हार्ट। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो वो जाएगा हार्ट के डॉक्टर के पास, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं सेवन्थ का जी हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। एट्थ वन इज प्रेगनेंसी कॉमा चाइल्ड बर्थ। तो जो भी चाइल्ड बर्थ कराता है, मतलब बच्चे को पैदा करता है, और प्रेगनेंसी पूरी प्रेगनेंसी में एक लेडीज को पूरा डायरेक्शन देता है, तो वो होता है ऑब्स्ट्रीशियन। तो एट्थ का बी हो जाएगा ऑब्स्ट्रीशियन। ऑब्स्ट्रीशियन और पीडियाट्रिशियन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो पीडियाट्रिशियन उसको ट्रीट करेगा, और जब बच्चा पैदा होने वाला होगा तब उसको ऑब्स्ट्रीशियन ट्रीट करेगा। ओके, लास्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम, मतलब हड्डियाँ या आपका कंकाल। तो उसको कौन ट्रीट करता है? जो भी हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, तो उसके लिए आपका होता है ऑर्थोपीडिस्ट। नाइन्थ का एफ हो जाएगा, ऑर्थोपीडिस्ट। मुझे पता है आप सब लोगों की मैक्सिमम एक्सरसाइज सही होगी। तो ये आपकी की दी हुई है, फर्स्ट आई, सेकेंड एच, थर्ड डी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स ई, 7G, 8B, 9F। मैच कर लीजिए अपने आंसर से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट मैचिंग में आपके कितने सही हुए हैं। ओके, नेक्स्ट में आपको यस और नो में आंसर देना है। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर के उसमें नो डाउन करिए और देखिए फिर लास्ट में कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। फर्स्ट वन इज
इज अ गायनेकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो क्या होगा? यस, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फैमिलियर होता है. सेकेंड वन इज, डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिसीजेस ऑफ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड मतलब बचपन की बीमारियों को स्पेशलाइज करता है? नो. कौन करेगा? पीडियाट्रिशियन करेगा. और डिलीवर कौन करेगा बेबीज को? वो करेगा ऑब्स्टेट्रिशियन. तो सेकेंड का नो हो गया है. थर्ड इज, डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज, तो बेबीज को डिलीवर कौन करता है? ऑब्स्टेट्रिशियन करता है. और बेबीज जब पैदा हो जाते हैं तो उन्हें ट्रीट कौन करता है? उनका वैक्सीनेशन कौन करता है? वो करता है पीडियाट्रिशियन. फोर्थ, इफ यू हैड अ स्किन डिजीज वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो स्किन डिजीज जो होगी उसका डॉक्टर कौन होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट. तो अगर आपको कोई स्किन डिजीज है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे? यस. फोर्थ का यस. फिफ्थ वन इज, इफ यू हैड ट्रबल विथ योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? ऑर्थोपेडिस्ट होता है हड्डियों का डॉक्टर. और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आप किसको विजिट करेंगे? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को. तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? नो. सिक्स्थ इज एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट, तो आई स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं. तो यस, सिक्स्थ वन इज यस. सेवन, डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर कौन ट्रीट करता है? ऑर्थोपेडिस्ट. तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या ट्रीट करता है? हार्ट. यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या कार्डियोलॉजिस्ट बोन फ्रैक्चर को ठीक करेगा? तो नो, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करेगा. और ऑर्थोपेडिस्ट, अगर यहाँ होता डज ऑर्थोपेडिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स, तो यस हो जाता, बट सेवन का क्या होगा? नो होगा. नेक्स्ट वन इज अ न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्व स्पेशलिस्ट, तो ये यस होगा. क्यों? क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? नर्व स्पेशलिस्ट होता है. नाइन्थ देखिए, इफ यू वर नर्वस टेंस ओवरली एनेक्सियस कॉन्स्टेंटली फियरफुल फॉर नो अपेरेंट रीजंस वुड अ साइकाइट्रिस्ट बी द स्पेशलिस्ट टू सी, मतलब अगर आप नर्वस हैं, टेंस हैं या बहुत ज्यादा परेशान हैं और लगातार आपको डर लग रहा है बिना किसी रीजन के, तो क्या आप एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाएंगे? तो यस, साइकाइट्रिस्ट इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है. तो नाइन्थ का यस होगा. ये आपकी की है, चेक कर लीजिए आपके कितने आंसर सही हैं. अगर आपके आंसर ज्यादा रॉन्ग आ रहे हैं तो एक बार प्लीज जा करके चैप्टर फोर को कर लीजिए. नेक्स्ट आपको बताना है कि किस डॉक्टर्स के नाम बताने हैं यहाँ पर. कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? फर्स्ट वन इज फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर. ब्रेन डिसऑर्डर अगर है तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास. तो फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर आपका आंसर होगा न्यूरोलॉजिस्ट. सेकेंड इज इफ यू हैव अ स्किन डिजीज, तो क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा. थर्ड इज इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट. फोर्थ इज इफ यू आर टेंस फियरफुल इनसिक्योर, अगर आप टेंस हैं, आपको डर लग रहा है, आप इनसिक्योर हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? साइकाइट्रिस्ट के पास. फिफ्थ वन इज इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो बताइए क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑब्स्टेट्रिशियन. प्रेग्नेंट है तो ऑब्स्टेट्रिशियन, अगर आपका बेबी हो गया है तो पीडियाट्रिशियन, अगर आप एक फीमेल हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट. सिक्स वन इज फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम के लिए आप जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास. सेवन्थ इज फॉर अ चेकअप फॉर योर 2 months ओल्ड चाइल्ड, तो बच्चा 2 साल का, 2 महीने का हो चुका है, तो आप किसके दिखाने के लिए जाएंगे? चेकअप किसके पास कराएंगे? पीडियाट्रिशियन के पास. एट्थ इज फॉर फॉल्टी विजन, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, या दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास. नाइन्थ इज फॉर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, कर्वेचर ऑफ स्पाइन के लिए आप जाएंगे ऑर्थोपेडिस्ट के पास. हड्डियों की दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिस्ट. दीज आर योर आंसर्स. फर्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिस्ट, सेकेंड इज डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्थ इज साइकाइट्रिस्ट, फिफ्थ इज ऑब्स्टेट्रिशियन, सिक्स्थ इज गायनेकोलॉजिस्ट, सेवेंथ इज पीडियाट्रिशियन, एट्थ इज ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, नाइन्थ इज ऑर्थोपेडिस्ट. मुझे कंफर्म है आपके मैक्सिमम आंसर सही होंगे. अगर रॉन्ग हो गए तो कोई बात नहीं, चैप्टर फोर को एक बार रिकॉल करिए और नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो भी रूट वर्ड्स हैं
ओके, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डिया का रूट वर्ड होता है हार्ट, और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसका रूट वर्ड होता है डर्मा का स्किन। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये मीनिंग्स और अच्छे से रिकॉल हो करके और याद करा दूंगी मैं। तो नेक्स्ट चैप्टर को मेरे विजिट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज जा करके मेरे सारे लास्ट वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच।